सक्सेस की 98 में आप सभी का स्वागत है। मैं अरविंद मिश्रा जीएस क्विज का क्लास लेकर आप सभी के सामने आ चुका हूं। तो जल्दी से जुड़ जाइए हमके साथ ताकि मैं जल्दी से जल्दी क्विज को शुरू कर दूं। और जैसा कि आपको पता है कि 4:30 बजे हमारा टाइम है और ठीक टाइम पर क्लास शुरू हो चुका है। तो चलिए फटाफट क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और इसके बाद अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप जा सकते हैं हमारे वेबसाइट पर जो कि है www.successki98.in पर। और जैसा कि हम लोग अभी जोर दे रहे हैं कि आप लोगों को मॉक टेस्ट देना चाहिए, तो मॉक टेस्ट आपको कहाँ देना है, तो e-store.ibpsguide.com पर जाकर, जो कि नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए फटाफट क्लास को शुरू कर देता हूँ और कोशिश करिएगा कि आप अंत तक बने रहें ताकि आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल सके। और हाँ, जितनी गलती करनी है यहाँ कर लीजिए, लेकिन एग्जाम में अगर आपको किसी भी प्रश्न में 1% का भी शंका हो तो आप उसे छोड़कर आगे बढ़ जाइएगा और सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट जरूर करिएगा। चलिए पहला प्रश्न आने वाला आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा। आयरन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? ए बेरी बेरी, बी अपतानिका, सी क्वासियोरकर या डी खून की कमी, बताइएगा। तो जी हाँ, काफ़ी आसान सा है और काफ़ी बार कराया जा चुका है, खून की कमी एनीमिया। दूसरा प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ए बिजली वोल्ट के अनुपातिक है, बी विद्युत धारा के अनुपातिक है, सी दोनों ए बी कथन गलत हैं या डी दोनों ए बी कथन सही हैं, बताइएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी, दोनों ए और बी कथन सही हैं। तीसरा प्रश्न ए रहा इसका उत्तर दीजिएगा। वायुमंडलीय दबाव किसके द्वारा मापा जाता है? आपके ऑप्शन है ए बैरोमीटर, बी हेक्सोमीटर, सी नैनोमीटर या डी ग्लूकोजमीटर। बहुत बार करा हुआ प्रश्न है तो गलती होना ज़्यादा संभव है नहीं। तो जिन्होंने उत्तर दिया ए बैरोमीटर, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, और हाँ जो भी गलत करे आंसर देख के उसे ठीक करते जाएं। चलिए चौथा प्रश्न ए रहा, उत्तर दीजिएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा पैरोमीटर पदार्थ की थर्मोडायनेमिक स्थिति को चिन्हित नहीं करता है? ध्यान दीजिएगा, नॉट कैरेक्टराइज, चिन्हित नहीं करता है। ए तापमान, बी प्रेशर दबाव, सी कार्य या डी आयतन, उत्तर दीजिएगा इसका। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी कार्य, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। पांचवा प्रश्न ए रहा इसका उत्तर दीजिएगा। वर्षा को मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? ए लूसीमीटर, बी लैक्टोमीटर, सी हाइटोमीटर या डी हाइग्रोमीटर, बताइएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी हाइटोमीटर, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है, या इसे रेन गज भी कहते हैं। छठा प्रश्न ए रहा इसका उत्तर दीजिएगा। एक निकाय के संवेग के परिवर्तन की दर परिणामी के किसके बराबर है? ए ऊर्जा के, बी शक्ति के, सी बल के या डी आवेग के, बताएगा इसका उत्तर। एक निकाय के संवेग के परिवर्तन की दर, चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, किसके बराबर होगा? तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी बल, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। सातवां प्रश्न इसका उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर मेमोरी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट और आउटपुट डिवाइस बताता है कि किसी प्रोग्राम के निर्देशों का उत्तर कैसे देना है? ए स्टोरेज यूनिट, बी इनपुट डिवाइस, सी कंट्रोल यूनिट या डी लॉजिक यूनिट। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी कंट्रोल यूनिट, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न आठवां प्रश्न ए रहा इसका उत्तर दीजिएगा। यांत्रिक शक्ति की ऐसा इकाई क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ मैकेनिकल पावर, ए जूल, बी वाट, सी न्यूटन पर सेकंड या डी जूल पर सेकंड। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी वाट, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न नौवां प्रश्न उत्तर दीजिएगा इसका। एलापीडिया नाजा किसका वैज्ञानिक नाम है? ए कोबरा, बी हाथी, सी ईगल या डी उल्लू, बताएगा इसका उत्तर। कोबरा, हाथी, बाज या उल्लू। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए कोबरा, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। दसवां प्रश्न ए रहा इसका उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा किसे दिए गए तापमान पर सभी गैसों के अणुओं के लिए समान है? ए गति, बी द्रव्यमान, सी गतिज ऊर्जा या डी संवेग, पहले कराया चुका है प्रश्न। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी गतिज ऊर्जा, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न ग्यारहवां प्रश्न उत्तर दीजिएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक है? क्लोरीन की तुलना में किसका परमाणु संख्या अधिक है? आपके ऑप्शन है ए पोटेशियम, बी सल्फर, सी एल्यूमिनियम या डी फॉस्फोरस, फटाफट उत्तर दीजिएगा इसका। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए पोटेशियम, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है।
क्लोरीन का होता है 17, पोटेशियम का 19, सल्फर का 16, एल्यूमिनियम का 13 या और डी फास्फोरस का 15। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए पोटेशियम, उनका उत्तर एकदम सही है। 12वां प्रश्न उत्तर देगा इसका, रेडियो सिग्नल प्राप्त करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है और स्वचालित रूप से एक अलग सिग्नल प्रेषित करता है वो, ए थर्मोस्टेट, बी टोनोमीटर, सी टेलीमीटर या डी ट्रांसपोंडर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी ट्रांसपोंडर, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न उत्तर देगा इसका, कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले शब्द ISP का पूर्ण रूप क्या है, ए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, बी इंट्रानेट सर्विस प्रोवाइडर, सी इंटरनेट सिस्टम प्रोवाइडर या डी इंट्रानेट सिस्टम प्रोवाइडर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न उत्तर देगा इसका, रूटाइल किसका एक अयस्क खनिज है, ए जिंक, बी यूरेनियम, सी टाइटेनियम या डी एल्यूमिनियम। बताएगा इसका उत्तर, रूटाइल किसका एक और मिनरल है। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी टाइटेनियम, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न इसका उत्तर दीजिएगा, यदि एक वर्षा की बूंद हवा के माध्यम से होकर गुजरती है तो क्या होगा, इसका वेग बढ़ जाता है, बी इसका वेग कम होता चला जाता है, सी इसका वेग कुछ समय के लिए बढ़ता है और फिर स्थिर हो जाता है या डी यह कुछ समय के लिए निरंतर गति के साथ गिरता है और फिर इसका वेग बढ़ जाता है। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी इसका वेग कुछ समय के लिए बढ़ता है और फिर स्थिर हो जाता है, जी हाँ 16वां प्रश्न उत्तर दीजिएगा इसका, उच्च रक्तचाप का इलाज करने के लिए निम्न में से किस दवा का उपयोग किया जाता है, ए रेजरनेट, बी डाइजेपम, सी फॉलिक एसिड या डी हाइड्रोलाजिन। बताएगा इसका उत्तर, तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी हाइड्रोलाजिन, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। राइजोनेट जो है वो है बोन से रिलेटेड, डाइजेपम जो है वो है एंजाइटी से रिलेटेड और फॉलिक एसिड जो है वो है एनीमिया से रिलेटेड, तो हाइड्रोलाजिन जो है वो है सही हाइपर टेंशन का दवा। 17वां प्रश्न ए रहा इसका उत्तर जगह, एक परावर्तित दूरबीन में दर्पण किस प्रकार का होता है, आपका ऑप्शन है ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी प्रिज्म या डी अवतल उत्तल लेंस। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए अवतल दर्पण, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न ए रहा इसका उत्तर जगह, चुकंदर बीट पौधे का कौन सा हिस्सा है, ए मुख्य जड़, बी आकस्मिक, सी तने का कंद या डी रिजोम। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए टैप रूट, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न इसका उत्तर दीजिएगा, प्रकाश और ध्वनि दोनों का तरंग चरित्र होता है फिर भी प्रकाश की निरीक्षण करने के लिए विवर्तन बहुत कठिन होता है क्यों, ए प्रकाश शून्यक में यात्रा कर सकता है, बी प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं, सी प्रकाश की गति बहुत अधिक है या डी प्रकाश की तरंग लंबाई कम है। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी प्रकाश की तरंग लंबाई बहुत कम होती है, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। 20वां प्रश्न ए रहा उत्तर जगह इसका, एस्टिक एसिड को किसके रूप में जाना जाता है, ए कास्टिक सोडा, बी स्पिरिट, सी बेकिंग सोडा या डी सिरका। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी विनेगर सिरका, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न आने वाला है आपके सामने, उससे पहले आप सभी से एक बार फिर से आग्रह करूंगा जो जो नए जुड़े चैनल के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, और इसके बाद भी अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाती है तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जो कि सक्सेस स्पेस देकर E98, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और हो सके तो शेयर करिएगा ताकि उन भाई बंधुओं को मिले जिनके पास कोचिंग ट्यूशन लेने की क्षमता नहीं है। 21वां प्रश्न ए रहा उत्तर दीजिएगा इसका, पतले साबुन की फिल्म में शानदार रंगों की जानकारी का परिणाम किसका परिणाम है, ध्रुवीकरण और हस्तक्षेप, बी विचलन और फैलाव, सी एकाधिक अपवर्तन और फैलाव या डी एकाधिक प्रतिबिंब और हस्तक्षेप। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी मल्टीपल रिफ्लेक्शन एंड इंफ्रेंस, जी हाँ एकाधिक प्रतिबिंब और हस्तक्षेप सही उत्तर है आपका। 22वां प्रश्न उत्तर जगह इसका, हाइपरटेक्स्ट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, ए जीन एंटोनी नॉलेट, बी अल्फ्रेड नोबल, सी जोसेफ नेस्फोनिपस या डी टेड नेल्सन। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी टेड नेल्सन, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। 23वां प्रश्न ए रहा उत्तर जगह इसका, घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम किस पर आधारित है, ए पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बी एडिसन इफेक्ट, सी फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव या डी जॉनसन इफेक्ट। तो जिन्होंने उत्तर दिया है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जी हाँ सही उत्तर है आपका।
24वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। यदि एक गति में घूर्णन का अक्ष वस्तु के माध्यम से नहीं गुजरता तो गति को क्या कहा जाएगा? ए घूर्णन गति, बी ऑसिलेटरी गति, सी ट्रांसलेटरी गति या डी कक्षीय गति। तो जिन्होंने उत्तर दिया डी ऑर्बिटल मोशन कक्षीय गति। जी हाँ, सही उत्तर आपका 25वां प्रश्न ए रहा, उत्तर दीजिएगा इसका। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का कोर नरम लोहे से बना होता है क्योंकि इसमें नरम लोहा क्या होता है? ए छोटी संवेदनशीलता और छोटे प्रतिशोध, बी बड़ी संवेदनशीलता और छोटे प्रतिशोध, सी बड़ा घनत्व और बड़ी प्रतिशोधकता या डी छोटे घनत्व और बड़े प्रतिशोधकता। बताइएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी बड़ी संवेदनशीलता और छोटे प्रतिशोध। जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। 26वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। जब कोई तेज रोशनी में होने के बाद एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ देर तक स्पष्ट रूप से दूर कुछ भी नहीं देख पाता, क्यों? आपके ऑप्शन है ए आंख का रेटिना आगे बढ़ता है, बी आंख का रेटिना पीछे की ओर बढ़ता है, सी आयरिस पुतली को चीजों को देखने में सक्षम करने के लिए तुरंत पतला करने में असमर्थ है, या डी आंख में आवाज की कोई शक्ति नहीं है। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी आयरिस पुतली को चीजों को छोटा देखने में सक्षम करने के लिए तुरंत पतला करने में असमर्थ है। जी हाँ, अगला प्रश्न 27वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। एक तैरती हुई वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन ए झटका, बी उछाल, सी आर्किमिडीज बल या डी गुरुत्वाकर्षण विरोधी बल। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी बुयांसी। जी हाँ, उछाल सही उत्तर है आपका। 28वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा में समान आयाम नहीं है? ए बल और दबाव, बी काम और ऊर्जा, सी आवेग और गति या डी वजन और बल। विच फिजिकल क्वांटिटी डू नॉट हैव सेम डायमेंशन? ध्यान दीजिएगा प्रश्न क्या है। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए फोर्स एंड प्रेशर। जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 29वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। हीट्रोस्फीयर का ऊपरी भाग लगभग पूरी तरह किस गैस से बना होता है? आपके ऑप्शन है ए ओजोन, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन या डी हाइड्रोजन। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी हाइड्रोजन। जी हाँ, एकदम सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न 30वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है? नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ए गति, बी वेग, सी टॉर्क या डी विस्थापन। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए स्पीड। जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 31वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक पत्ती है जहाँ वरक को मध्य सिराओं के साथ व्यवस्थित किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए पाइनेटली यौगिक पत्ती, बी पैमेटिक यौगिक पत्ती, सी यौगिक पत्ती या डी साधारण पत्ती। तो जिन्होंने उत्तर दिया है पेनेटली कंपाउंड लीफ। जी हाँ, पेनेटली यौगिक पत्ती सही उत्तर है आपका। 32वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। जब पारे की सतह पर स्टील की गेंद रखी जाती है तो वह डूबता नहीं है, क्यों? ए पारा की सतह तनाव के कारण, बी पारा एक अर्धचालक है, सी पारे की उच्च चिपचिपाहट के कारण या डी पारा का घनत्व स्टील की तुलना में अधिक है। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी द डेंसिटी ऑफ मर्करी इज ग्रेटर देन द दैट ऑफ स्टील। सही उत्तर है आपका। 33वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। फल और सब्जियों में कैरोटीन कौन सा रंग देता है? ए हरा, बी गुलाबी, सी नारंगी या डी नीला। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी नारंगी। जी हाँ, एकदम सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न 34वां प्रश्न ए रहा, उत्तर दीजिएगा इसका। घरेलू बिजली की स्थापना में एक कमरे में दो बल्ब लगाए जाते हैं, उनमें से एक दूसरे की तुलना में उज्जवल चमकता है, फिर उज्जवल बल्ब का प्रतिरोध छोटा होता है, बी उज्जवल बल्ब का बड़ा प्रतिरोध होता है, सी दोनों बल्बों का प्रतिरोध समान होता है या डी इनमें से कोई नहीं। तो जिन्होंने उत्तर दिया है, जी हाँ एकदम सही बात है, द ब्राइटर बल्ब हैज स्मॉलर रेजिस्टेंस। जो उज्जवल बल्ब होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो सबसे कम होता है। अगला प्रश्न 35वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। बुबलस बुबलिस किसका वैज्ञानिक नाम है? आपके ऑप्शन है ए घोड़ा, बी जेबरा, सी गधा या डी बफेलो भैंस। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी बफेलो। जी हाँ, भैंस सही उत्तर है आपका। 36वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। एनालजेसिक्स क्या है? एसिडिटी में आराम देते हैं, बी दर्द में आराम देते हैं, सी खुजली में आराम देते हैं या डी सूजन में आराम देते हैं। एनालजेसिक्स, तो जिन्होंने उत्तर दिया है रिलीफ पेन। जी हाँ, दर्द से आराम देते हैं, ये पेन किलर है। 37वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या है? ए 8, बी 64, सी 32 या डी 16।
बहुत आसान है। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए 8, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न और तीसरा प्रश्न इसका उत्तर दीजिएगा। कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल संक्षिप्त शब्द SQL का पूर्ण रूप क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए सिस्टम क्वेरी लैंग्वेज, बी सर्च क्वेरी लैंग्वेज, सी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज या डी सिंगल क्वेरी लैंग्वेज। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। 39वां प्रश्न और दो प्रश्न दूर। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? ए मृदा संवर्धन के बिना पौधे, बी निरोपण पौधा, सी सब्जियों का अध्ययन या डी मृदा संरक्षण। तो जिन्होंने उत्तर दिया है प्लांट विदाउट सॉइल एनरिचमेंट, जी हाँ मृदा संवर्धन के बिना पौधा एकदम सही उत्तर है आपका। आज का अंतिम प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। कीड़ों के वैज्ञानिक अध्ययन को किसके रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन है मत्स्य विज्ञान, बी कीट विज्ञान, सी परजीवी विज्ञान या डी मोलस्क विज्ञान। तो जी हाँ एकदम सही उत्तर है बी एंटोमोलॉजी, सही उत्तर है आपका। तो आज के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो शेयर करिएगा ताकि उन भाई बंधुओं को भी मिले जिनके पास कोचिंग ट्यूशन्स लेने की क्षमता नहीं है। तो अगला क्लास हमारा होगा सोमवार को ठीक शाम को 4:30 बजे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने साथ साथ अपना, अपने परिवार का, अपने भाई बंधुओं का ख्याल रखिएगा और देश का बहुत ख्याल रखिएगा। व्यर्थ की बातों में न फंसे और अफवाहों से बचे। जय हिंद।